राष्ट्रीय खबर और मैं हूं आपके साथ आकृति। ब्लड कैंसर व बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इलाज पर जागरूकता पैदा करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम ने मीडिया से बातचीत की। वहीं इसके इलाज के लिए उन्होंने कहा कि इसका इलाज बिना किसी ऑपरेशन के भी हो सकता है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना था डॉक्टर्स की टीम का। वो मरीज जो अभी तक ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए दिल्ली, बॉम्बे या दूसरे जगह जाते थे, उनका ट्रांसप्लांट हम यहाँ पे अब कर पाने की क्षमता रखते हैं और ये प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया है। और अभी स्टेट ऑफ आर्ट ट्रांसप्लांट यूनिट हम ये ट्रांसप्लांट यहाँ पे कर पा रहे हैं और पारस हॉस्पिटल पंचकूला में ये ट्रांसप्लांट जो है अगले फरवरी के महीने से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया के लिए, एप्लास्टिनीमिया के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए और दूसरे ब्लड कैंसर्स के लिए और कुछ सॉलिड ट्यूमर्स के लिए, मल्टीपल माइलोमा के लिए और लिम्फोमा के लिए हम ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो है जितने भी ट्राई सिटी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहला हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया हमारा हॉस्पिटल ये जो रिजल्ट है अभी ट्रांसप्लांट के, ऑलमोस्ट ये समझे कि इन बीमारियों में हम क्योर अचीव कर सकते हैं अगर ट्रांसप्लांट प्रोसेस सक्सेसफुल हो गई है। तो 100% मॉर्टेलिटी अगर आपकी अच्छी है, उसमें आपके रिजल्ट अच्छे हैं, तो हम ये होप कर सकते हैं कि हम ये जिस चीज़ के लिए हमने ये ट्रांसप्लांट किया है उससे हम क्योर अचीव कर सकते हैं। थैलेसीमिया के लिए, एप्लास्टिनीमिया के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए इसको 100% होना चाहिए। ब्लड कैंसर में जो रिजल्ट है वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह का ब्लड कैंसर है और किस स्टेज पे ट्रांसप्लांट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट उसमें जो सक्सेस रेट है वो आज जितना वर्ल्ड में बेस्ट है उतना सक्सेस रेट मैं समझता हूँ कि हम उसको अचीव कर पाएंगे।